अब तक आपने देखा, अपने परिवार में हुए हत्याकांड के बाद रजिया बड़े सदमे में है, लेकिन वो एक आंसू तक नहीं बहाती। तभी रजिया को खबर आती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है शहजादी, सुल्तान जिंदा। अब आगे शहजादी, वालिदाए सुल्तान को होश आ गया है। कहाँ थी तुम रजिया? ये क्या बदतमीजी है? हमें इस तरह यहाँ लाने का मतलब? हमें अपने सवालों के जवाब जो लेने थे। हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, पर अपना हौसला बना के रखो, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। जनाजे की तैयारियां करनी है, जितने भी लोग इसमें मारे गए हैं उनकी एक फहरिस्त बनानी है। महल के हर सिमट में खून ही खून है। जैसा आपका हुक्म शहजादी, पर शहजादी दिल में जो दर्द है उसे आंसू बनकर बहने दीजिए। शहजादी, रुखसत होने वालों के लिए मातम तो मनाइए। हमारे आंसू सूख चुके हैं, मातम के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमने जो कहा वो तुम करो। तुमने सुना नहीं? हमने क्या कहा?
सलाम ने उसको घोड़े पे बिठाया और घोड़ा चला और दो से चला और जरा से भी समझ नहीं है आपको? बच्चे को मुंडेर पे बिठा रखा है, कहीं गिर जाता तो? हम एहतियात बरत रहे थे मासर, हमने इन्हें पकड़ रखा था। आप कुछ ना ही बोले तो बेहतर होगा। आपकी अक्ल और दानिश का सबूत हमें पहले ही मिल चुका है। एहतियातन आपने हमें अपनों से दूर कर दिया, उस वक्त जिस वक्त उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। महल से अगवा करके ले गए जब सब मारे जा रहे थे। आप हमारी चुप तो हमें इस बात का है कि इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी चुपचाप महल से चले जाने के बजाय आप बेशर्मों की तरह अभी भी महल में बने हुए हैं। चलो हम अपने यार अपने हबीब के साथ कुछ लम्हात अकेले में गुजारना चाहते हैं। बेहतर होगा अगर आप कुछ वक्त के लिए हमें अकेला छोड़ दें। जो हुक्म सुल्तान। माफी चाहूंगा सुल्तान, हकीम जी यहीं रहेंगे। सुल्तान अल्तमश की तीमारदारी के लिए बेहद जरूरी। हमें कोई एतराज नहीं। हमको बड़ा दुख हो रहा है आपको इंसान नहीं देख कर सकता। या अल्लाह, ये सब देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आ गई? खुदा ने हमें क्यों नहीं बुला लिया अपने पास? क्या लगता है आपको सुल्तान की तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी? खंजर छोटा जरूर है मगर जहर बुझे छोटे से खंजर का एक छोटा सा जख्म भी अल्तमश को मारने के लिए काफी रहेगा।
सच कहें, हमें तो ये भी नहीं पता है कि सुल्तान अल्तमश जिंदा रहेंगे कि नहीं। जख्म गहरे हैं, भरते भरते वक्त लगेगा। शुक्रिया। बादब बा मुलाहिजा होशियार वालिदाए सुल्ताना शमशाद बेगम तशरीफ ला रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सल्तनत हिंद के सुल्तान आपके तो जिंदा हैं सुल्तान यल्दौस। हमारी आपसे इल्तजा है सुल्तान कि आप जनाजों के जुलूस की अगुवाई करें। आप हमसे इल्तजा ना करें, हमें हुक्म दें। ये गम सिर्फ आपका ही नहीं, हम सबका है। आप जा रहे हैं? हमें जाना पड़ेगा फातिमा। मोहतरमा सही कह रही हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें उन्हें इस कदर यहां से नहीं लेके जाना चाहिए था। शायद शायद वो आज इसीलिए जिंदा है क्योंकि आप उन्हें अगवा करके ले गए थे। मतलब मिर्जा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें यहां से ले जाकर आपने उनकी जान ही बचाई। अगर कातिलों की नजर उन पर पड़ गई होती तो अल्लाह जाने क्या हो गया होता। फिर भी हमें जाना होगा फातिमा। मिर्जा ने मोहतरमा का दिल दुखाया, अब हमारा यहाँ क्या काम? नहीं मिर्जा, तुम अपनी मोहतरमा को इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकते हो? अपनी लाशें देखने के बावजूद भी उनकी आंखों से एक आंसू नहीं छलका। अरे माँ, तुम तो दूर की बात है, सीने पे पत्थर रख के बैठी है। इस पत्थर को तोड़ना बहुत जरूरी है मिर्जा, नहीं तो वो अंदर ही अंदर घुट के रह जाएंगी। दिल का दर्द पिघलना बहुत जरूरी है, तभी तो जज्बात निकलेंगे। मिर्जा, उन्हें रुलाना होगा, उन्हें रुलाना होगा मिर्जा। पर ये काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता।
सानी जान, हमें रजिया की बेहद फिक्र हो रही है। देखिए कैसी बुद्धसी हो गई है, उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं टपका, ना कुछ बोल रही है ना किसी की सुन रही है। हमें बेहद फिक्र हो रही है उसकी। जब मौका मिला था तो सुल्तान अल्तुतमिश के सीने में खंजर क्यों नहीं उतारा शाहतुर्कन? कहीं पुरानी मोहब्बत तो आड़े नहीं आ गई? मरे हुए को क्या मारना सुल्तान, और वैसे भी सुल्तान अल्तुतमिश अब कुछ ही रोज के मेहमान है। अभी मार दिया तो एक महीने का मातम होगा और फिर आपको शहजादी रजिया से दूर रहना पड़ेगा। सोच लीजिए। दादा ठीक कर रहे हैं, मगर ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए और निकाह की तैयारी शुरू कराइए। क्रिकेट था रुखसती के लिए जनाजों को कंधा देने वाले आ रहे हैं, आपका हुक्म हो तो। गुस्ताखी मुआफ हो वालिदा सुल्तान, अगर शहजादी को कुछ देर के लिए यहाँ अकेला छोड़ दिया जाए तो शायद बेहतर होगा। चंद लम्हात और फिर हम खुद चले जाएंगे। शहजादी, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। आप यहां क्या कर रहे हैं? ये क्या है? हमारे प्यार का नजराना है और क्या। हमारे इश्क का आगाज खुशबू से ही हुआ था और वही खुशबू लेके हम फिर से चल रहे हैं। और तो ठिकाने हैं आपके, ये क्या पक रहे हैं? ये वक्त है कोई? ये वक्त ही तो है शहजादी, जो हमें बार बार आपसे मिलाना है और आप हैं कि वक्त के इशारे समझ ही नहीं पा रहे। इतने बेगैरत हो गए हैं आप कि आपको ये भी समझ नहीं कि कब क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। हाँ।